हाय हाय। आज आप जो ये पेन देख रहे हैं Xiaomi का पेन 2 है, और अभी स्क्रीन पे आप Amazon का पेज देख रहे होंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टाइलस लगे हुए हैं। बहुत सारे कमेंट्स स्टाइलस पे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने ये वीडियो बनाने को सोचा। और अभी मैं आपको बस जानकारी देना चाहती कि ये जो स्टाइलस हैं, डिफरेंट टाइप के स्टाइलस हैं, यहाँ पे आप जाके यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये किस लिए काम करते हैं। तो ये आप देखें तो ये प्रेशर स्टाइलस है। यहाँ पे आप देखें तो ये बड़ा स्क्रीन जो आगे गोल सा लगा हुआ है, ये सिलिकॉन का बना हुआ है, और ये प्रेशर वाला है, मतलब स्क्रीन पे प्रेशर दे के लिखने का काम करता है। ये तो नॉर्मल हाँ। जो फिंगर है वो भी कर जाएगा, तो इसमें यानी पाम रिजेक्शन नहीं मिलेगा ना। और अगर आपको हैवी ड्यूटी कोई काम नहीं करना है, जैसे सिर्फ PDF पढ़ना है, किताबें पढ़नी है और अंडरलाइन करना है, तो इस या क्लिक करना है सिंपल, हाँ सिंपल क्लिक करना है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीरियसली नोट टेकिंग का काम करना है, जैसे कि मैंने अपने चैनल पर डिफरेंट टाइप के नोट टेकिंग के वीडियो डाले हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं और भी फर्दर वीडियो डालती रहूँगी। पर मैंने इसी पेन का इस्तेमाल किया, इसमें मुझे पूरा पाम रिजेक्शन और सारा जो सपोर्ट मुझे Xiaomi से मिलना चाहिए, पैड और पेन, ये दोनों ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया है। तो अगर मैं कहूँ कि ये इसके लिए कंपेटिबल था और इस पे काम किया, बाकी जो स्टाइलस थे उसको मैंने ट्राई किया, उसमें से प्रेशर वाले थे। और अभी आप देखें तो YouTube पे बहुत लोगों ने यूनिवर्सल स्टाइलस करके अभी पेन आने लगा है, जो कि कहते हैं कि इसको आप चार्ज करके आप किसी भी पैड पे लिख सकते हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो अबाउट दिस आइटम में यहाँ पे साफ साफ लिखा है डज नॉट सपोर्ट, नॉट कंपेटिबल फॉर माइक्रोसॉफ्ट Amazon, और यहाँ पे हमारे Xiaomi पैड 6, Xiaomi पैड 5, इवन Redmi 13, Redmi 12, Redmi Note 10, इसके लिए भी ये सपोर्ट नहीं करता है। तो आपने देखा होगा कि YouTube पे ये वाले पेन का बहुत ज़्यादा व्यू है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे वीडियो बनाए हैं। तो मैं अपना वीडियो सिर्फ इसलिए जानकारी देना चाहती कि आप बिल्कुल भी उसके चक्कर में ना पड़िए। अभी मार्केट में आप ध्यान दें यहाँ पे तो ये या तो प्रेशर वाले हैं, या फिर जो चार्ज करने वाले और यूनिवर्सल स्टाइलस लिख के आ रहे हैं, जो कि 900 या करीब 1000 के करीब पड़ेंगे। उसमें साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि ये इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है, कि ये आपके पैड पे सपोर्ट नहीं करेगा। आप ऐसे वीडियो देखेंगे और हमेशा मिसगाइड होंगे, आपको लगेगा कि हमको चाहिए हमको चाहिए। ये वाला जो है बहुत फेमस है, और ये भी सिर्फ आईपैड को ही सपोर्ट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं एकदम से लिखी हुई हैं, और आप पढ़िए पहले खरीदने से। ये भले ही महंगा है, लेकिन इस समय अगर आप देखें तो BBD में ये पैड जो है काफ़ी सस्ता, करीब 20,000 के आसपास पड़ गया। और अगर पेन आप 6,000 का ले लें तो आपको टोटल 26,000 के आसपास पड़ जाएगा, अगर आप सीरियसली नोट टेकिंग का काम करना चाहते हैं। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगी कि डिफरेंट टाइप के स्टाइलस के चक्कर में आप जाके मिसगाइड ना हो। और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है उपलब्ध नहीं है जहाँ तक मुझे नॉलेज है, और इस यहाँ पे भी नहीं है, और मी के साइट पे सिर्फ ये वाला पेन ही उपलब्ध है। तो जब ये हो तो आप खरीद लीजिए, अगर आप सीरियसली नोट टेकिंग का काम करना चाहते हैं तो। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हुआ है, तो जो आपका आईपैड है, आईपैड का स्टाइलस कंपेटिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए थर्ड पार्टी कंपनी जो है यूनिवर्सल स्टाइलस बना सकती हैं। लेकिन यूजुअली एंड्रॉयड के जो टैबलेट्स हैं वो अपना प्रोप्राइटरी यानी खुद के ब्रांड का ही स्टाइलस सपोर्ट करते हैं। अगर आप चाहें रेडमी का स्टाइलस जो है Xiaomi के पैड के साथ चला सकते हैं तो नहीं चलेगा। Xiaomi का आप सैमसंग के साथ चला सकते हैं नहीं। जो आपका सिंपल जो रजिस्टिव स्टाइलस है ना, जो जिसके आगे रबर लगा है या रबर पॉइंट है, यानी जो सिर्फ टच करने का काम कर सकता है, वही है, वही जो है यूनिवर्सल कह सकते हैं। लेकिन वो आपको पाम रिजेक्शन नहीं देगा, टिल्ट सपोर्ट नहीं देगा, प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं देगा। ये सारे फीचर्स के लिए आपको Xiaomi वाला ओरिजिनल स्टाइलस ही लेना। और बाकी जो यूट्यूबर्स हैं आप ध्यान दें तो वो सिर्फ कनेक्ट कर देंगे, ये
जो कनेक्शन है ब्लूटूथ का, वो आपको कनेक्शन किसी भी अगर ब्लूटूथ है डिवाइस में तो कनेक्ट कर देगा, लेकिन जो प्रिसाइज नोट टेकिंग चाहिए, नोट टेकिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं प्रोवाइड, वो नहीं करेगी। तो इस तरीके से ना नॉर्मल जो स्टाइलस है उसमें ब्लूटूथ चार्जिंग मैग्नेटिक कनेक्ट ये सब गिमिक है, उसका कोई फायदा नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का तो तब फायदा है ना जब पाम रिजेक्शन पेन सपोर्ट करे, बटन को सपोर्ट करे, तो ये सारे जो थर्ड पार्टी स्टाइलस वो सपोर्ट नहीं करते, वो सारे गिमिक है बस। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये चीजों पे ये काम नहीं करता है और किन चीजों पे काम करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ओनली सपोर्ट द फॉलोइंग मॉडल आईपैड एयर इतना, आईपैड मिनी इतना, आईपैड प्रो। तो ये वाला काफी फेमस स्टाइलस रहा है और फिर भी ये केवल आईपैड के लिए ही डिजाइंड है अभी तक। शाओमी का या रेडमी का तो पेन है नहीं, शाओमी का ये वाला पेन है। तो आप मिसगाइड मत होइए, बहुत ज्यादा व्यूज हैं यूट्यूब पे, लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं, मार्केट में प्रोडक्ट है तो लोग प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट बताएंगे, पर अगर आप मिसगाइड होंगे तो आपका ही पैसा जाएगा, पैसा जाएगा। तो अपना पैसा भी जाएगा। अपना पैसा वेस्ट ना करें, एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सही जगह इन्वेस्ट करें। और हाँ एक चीज हम और बता दी, इतने समय से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी पहली फर्स्ट टिप है और ये अभी तक चल रही, थोड़ा भले डर्टी हो गई है, मैं आपको इसके फोकस एरिया में ले जाती, थोड़ा डर्टी हो गई, डर्टी नहीं येलो हो गई थी और फिर हल्का सा ब्लैक हो गया, तो लेकिन अभी भी ये परफेक्ट चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ मैंने चेंज नहीं किया। हाँ। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर आपका एक साल पुराना हो जाएगा तो एक सेंटीमीटर ऊपर से ही लिखने लगेगा, लेकिन ये समस्या भी इसके साथ नहीं आई है, मैं सही बता रही हूँ आपको। यस। तो आप अगर विश्वास करते हैं तो ले लीजिए, डिस्काउंट मिले तो, लेकिन अगर नहीं विश्वास करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट उपलब्ध है, खुद से ट्राई कीजिए और हमें रिव्यू में बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस। हाँ, और अगर आपको भी पेन मिले कोई जो कि चल जा रहा हो पैड पे तो हमें भी बताइए, क्योंकि इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है, मैं इससे ज्यादा तो नहीं बता सकती। तो इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू।